आपत्ति यह है कि एक तरफ आपने इन कोटों को पूरा नहीं किया, दूसरी तरफ आप लोगों को सड़क पर उतार कर यह कहते हैं कि आरक्षण की परंपरा समाप्त की जाए, आरक्षण गलत है या आरक्षण ज्यादा दिया जा रहा। तो आप ये जो लाभ देते हैं संवैधानिक लाभ, क्या यह लाभ है या लॉलीपॉप है? लाभ वाकई लाभ है या लाभ के नाम पर इन वर्गों को ठगने या किसी भी तरह से शांत करने का प्रयास किया गया? शुक्रिया हिंद वॉइस का कि आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने हमें अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 10 वर्षों पर भारत में जनगणना होता है, 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में होगा, यानी यह जनगणना का वर्ष है। जनगणना का वर्ष है तो पूरे देश में पिछले कई दशकों से बार बार ये मांगे उठ रही हैं कि जनगणना जातीय आधार पर हो, ताकि ये पता चल सके कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य लोगों की जनसंख्या कितनी है। क्यों नहीं, जब धार्मिक जनगणना हो रहा है, जब ये बताया जाता है कि बहुसंख्यक इतने हैं, अल्पसंख्यक इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, ईसाई इतने हैं, सिख इतने हैं, बौद्ध इतने हैं, जैन इतने हैं, पारसी इतने हैं, तो धर्मों के आधार पर आप गणना करके बता रहे हैं, तो जातियों के आधार पर गणना कर आप बताने से कन्नी क्यों काट रहे हैं? सवाल नंबर एक के जितने भी सुविधाएं संवैधानिक हैं वो धर्मों के आधार पर कम और जातियों के आधार, जातियों इसलिए शब्द में कह रहा हूं कि चूंकि पेशे की बुनियाद पर है और पेशे में सामान्यतः जातियां ही आ जाती है, चूंकि जातियां पेशे से जुड़ी हुई होती है, तो जब जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया, जो संवैधानिक अधिकार है, वो पेशे के आधार पर जो चिन्हित किया गया, उसको तीन वर्गों में जो बांटा गया, एससी, एसटी और ओबीसी, यानी 340, 341, 342, तो आप ये जो लाभ देते हैं संवैधानिक लाभ, क्या ये लाभ है या लॉलीपॉप है? लाभ वाकई लाभ है या लाभ के नाम पर इन वर्गों को ठगने या किसी भी तरह से शांत करने का प्रयास किया गया? सवाल नंबर एक, 341 एक बड़ा वर्ग इसमें आया करता था, लेकिन दिया कितना गया? 15%। 15% 341 में जो अनुसूचित जाति को दिया जाता है, पहली बात के 341 पे आपने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, धार्मिक प्रतिबंध भी असंवैधानिक था, जो कि आपको नहीं लगाना था। उस वर्ग के जो लोग भी जिन धर्मों में पाए जाते उन्हें वो लाभ दिया जाता और बजाय 15% के उसका प्रतिशत बढ़ाया जाता, लेकिन वहां एक कमी हुई, बहस नहीं हो सकी। दूसरी, 7.5% जो आप ट्रेबल को देते हैं, जो आप एसटी को देते हैं, यानी 342 में 7.5%, आपको कैसे पता कि भारत के जितने भी ट्राइबल हैं वो 7.5% ही उनकी आबादी है? ये आपने बताया नहीं और दिया 7.5%। अभी ये भी बताऊंगा कि उसमें कॉलम कितने पूरे हुए हैं। अब आप आ जाएं ओबीसी, बहुत बड़ा वर्ग, कहा यह जाता है कि 54% प्लस आबादी ओबीसी की है, लेकिन मिल कितना रहा है? 27%, यानी 27, 7.5 और 15, कुल मिलाकर 49.5%। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई इससे अधिक आरक्षण नहीं दिया सकता, लेकिन उस व्यवस्था को धक्का बताते हुए मौजूदा केंद्र की सरकार ने 10% आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को दे दिया, बिल्कुल असंवैधानिक था। और जब आपने एक सीमा तय कर दी थी 49.5% की, तो फिर यह 10% कैसे? इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वयं संज्ञान ले लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया, यह भी एक कारण है। अब सवाल नंबर एक के 27% जो ओबीसी को दिया गया, क्या तमाम क्षेत्रों में जहां इसको लागू होना है, यानी रोजगार और शिक्षा में, क्या सारे, क्या 27% ओबीसी के लोग वहां मौजूद हैं? चाहे आप यूनिवर्सिटियों में देखें, यूजीसी को देखें, वहां आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं है, वरना सरकार इसका आंकड़ा पेश कर दे। दूसरी बात, आप चाहे पुलिस महकमे में जाएं, आप चाहे राज्य के शिक्षा में जाएं, जो माध्यमिक बोर्ड होते हैं उनको देख ले, टीचरों की जनसंख्या को देख ले,
कहीं भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, 27% का कोटा पूरा नहीं किया गया, एक बात। इसी तरह से 15% का कोटा भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसी तरह से 7.5% का भी कोटा पूरा नहीं हो पा रहा। संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए मुझे यह ज्ञान हुआ कि 4.5% अल्पसंख्यकों के लिए भी था, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और अन्य उससे भी छोटे माइक्रो माइनॉरिटी जो थे उनको भी समाहित किया गया था। यहां भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है, किसी भी डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी की जनसंख्या 4.5% रिजर्वेशन के कोटे से आने वालों का नहीं है। हां, सामान्य तौर पर अगर कोई आते हैं तो कुछ विभाग ऐसे हैं जहां माइनॉरिटी 4.5% से अधिक है, बहरहाल वो रिजर्वेशन कोटे से नहीं है। अब आप आए, आपने 10% आरक्षण दे दिया सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, जबकि संविधान में आर्थिक के साथ सामाजिक शब्द जोड़ा गया, आपने सामाजिक शब्द हटा दिया, कोई बात नहीं है, मुझे इस पर आपत्ति नहीं। आपत्ति यह है कि एक तरफ आपने इन कोटों को पूरा नहीं किया, दूसरी तरफ आप लोगों को सड़क पर उतार कर यह कहते हैं कि आरक्षण की परंपरा समाप्त की जाए, आरक्षण गलत है या आरक्षण ज्यादा दिया जा रहा। तो वो लोग जो 15-85 की बात करते हैं उनसे मैं विनम्र विनती करता हूं कि सरकार को यदि बैकफुट पर लाना है, सरकार को यदि आरक्षण के प्रति जो घृणा, जो द्वेष, जो कुप्रचार, जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है उसको यदि समाप्त करना है तो जातिगत जनगणना अनिवार्य है, और जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक यह पता ही नहीं चल पाएगा कि वाकई आरक्षण का हकदार है कौन और उसकी संख्या है कितनी, आरक्षण का हकदार कौन है और उसकी संख्या कितनी है, यह जानने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है कि जातीय जनगणना कराया जाए। मैं समझता हूं देश के तमाम सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि 7 दशक बीतने के बाद भी जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो पा रहा है। यदि जातिगत जनगणना नहीं होगा तो समाज का जो वास्तविक स्थिति है, जो उनकी वास्तविक जनसंख्या है, वो सामने नहीं आएगी, और फिर जो नीतियां बन रही है समाज के उन सभी वर्गों को मैंने प्रतिनिधित्व देने के लिए, प्रतिनिधित्व केवल राजनीति में नहीं, प्रतिनिधित्व का मतलब तमाम क्षेत्रों में सामान्य प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर उनकी उपस्थिति, यह तभी संभव होगा जब जातीय जनगणना हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं तमाम भारत के उन सामाजिक संगठनों से और उन राजनीतिक दलों से जिनका विश्वास सामाजिक न्याय पर है, वो जोरदार ढंग से इस वर्ष, चूंकि ये जो है जनगणना का वर्ष है, 2021 जनगणना का वर्ष है, ये ईयर ऑफ सेंसस इसको कहा जाएगा, इसलिए आपसे विनती है बड़े जोरदार ढंग से इस आवाज को आप उठाएं और सरकार को बाध्य करें कि इस साल जो आप जनगणना करने वाले हैं वो जाति आधारित जनगणना हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।